पलारपुर मंदिर के रास्ते की भूमि सहित मेले की भूमि को सुरक्षित करने की मांग की। शिवपुरी में टाइगर प्रोजेक्ट की अपार संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते 10 मार्च तक टाइगर सफारी आने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में बलारपुर के जंगल में जो बाड़ा बनाया गया है उसमें बलारपुर मंदिर तक पहुंचने का मार्ग और साल में 2 बार भरने वाले मेले की भूमि को सुरक्षित करने की मांग को लेकर आज जनसुनवाई में आवेदन सौंपा गया है। मेरा नाम विशाल बाबा है। विशाल बाबा, हाँ, बलारी बलारी माता मंदिर से। किस लिए आए यहाँ पर? हम इसलिए आए हैं कि बलारपुर में जो शेर ला के छोड़ रहे हैं, और पहले भी हम 2-3 बार मतलब आंदोलन कर चुके। हमारा रास्ता कराई से और बलारपुर मंदिर तक हमारा रास्ता, हमें शेर चाहिए। हम मंदिर की जो मेला ग्राउंड की जगह है उसे छेक के भी पार्क बनाए, कुछ भी करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वो हमारे यात्री आते हैं रात रात दिन में दोपहर कभी भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वो वहां से रोक देते हैं, नहीं जाने देते हैं अंदर पार्क में। यहाँ अंदर तुम्हारे जाने का काम नहीं है, और शेर आ रहे हैं और शेर खा लेंगे, दिखल लेंगे, बिन्न वहीं से धमका कर लौटा देते हैं। तो दादा, वो वन क्षेत्र की जगह इसलिए हटा देते हैं वो। तो मेरी बात सुनिए, मंदिर तो ये तो पार्क तो पुराना है, मंदिर तो कल ये पार्क तो कल बनी है। मंदिर तो हजारों साल पीढ़ी दर पीढ़ी पुराना है। माता ऐसी नहीं है कि कोई छोटी मोटी माता हो या वैसी स्थापना करा ली हो, वो तो किसी जमाने की है, राजा महाराजन के जमाने की, नरवर का खिला सरवाए की गड़ी बलारी माता मंदिर जो तो अनादि काल के हैं कभी के। यहाँ तो हमारे गुरु लोगन की प्रथा चली आई है, हमारे जो गुरु समाप्त हुए दूसरे बैठे, दूसरे के बाद में तीसरे बैठे, ऐसे हमारे गुरु लोग बैठते आए और भिक्षावृत्ति मांग के वो अपने मतलब बाकी मंदिर को निर्माण कराते रहे। और कई बार तो हमारे गुरुजी ने जीर्ण उद्धार करवाया है। मंदिर सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब खाने पीने की यात्री पहुंचता है तो सब मंदिर पे कोई बाजार तो लगो नहीं है। विभाग को आपने बोला, वन विभाग से हमने 2 बार आंदोलन कर चुके, 2 ही बार मतलब। पहले तो वो बैरियर लगा के टैक्स लेने लगे, वो हम जहाँ आए कल साहब के जहाँ आए बिन्न जहाँ से मतलब वो आदेश कर दो तो फिर कर्मर नहीं लेते। अब वो आते ने रोक देते हैं, अंदर नहीं जान देते हैं। चलिए, अगर उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो आप आगे क्या करेंगे? रास्ता नहीं दिया तो हम तो मतलब आंदोलन करेंगे, मरेंगे। हम तो बैठ के मार तो किसी को सकते नहीं है, हम अपने प्राण की आहुति देंगे, इच्छा मृत्यु मांगेंगे। हाँ, इच्छा मृत्यु मांगेंगे और भाई अपने प्राण की आहुति देंगे, क्योंकि हम कोई धर्म को कार कर रहे हैं, कोई अन्याय नहीं कर रहे, कोई अनिति नहीं कर रहे। मंदिर जाना कौन से संविधान में लिखा है कि मंदिर जाना बंद है? अंदर के आश्वासन मिला है आपको? हैं? अंदर के आश्वासन मिला है? अब वो तो अब है तो एप्लीकेशन ले लीजिए, कुछ कह दीजिए कि बाद में अभी तुम्हें जवाब देंगे कुछ।